अभिवादये अहमस्मि ज्योतिः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटकस्य बेलगाव मध्ये कृषक सभां संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी फसल बीमा योजना विषये कृषकान् बोधयिष्यति, जनचेतनाः च प्रसारयिष्यति। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा अरुण जेटलिना ह्यः संसदि प्रवर्तमान वर्षस्य आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतम्। आर्थिक सर्वेक्षणानुसारि भारते न्यूनातन्यूनं प्रतिशतं 8.1% आर्थिक विकास प्राप्तेः सामर्थ्यं वर्तते। आगामी वित्तवर्षे जीडीपी विकास दरः प्रतिशतं 7.75% विधानस्य लक्ष्यम् अस्ति। एशिया चषक 20-20 क्रिकेट स्पर्धायां भारतम् अद्य निज चिर प्रतिद्वंदी देशेन पाकिस्तानेन साकं स्पर्धयिष्यति। भारतीय क्रिकेट दलं सम्प्रति प्रकृष्ट प्रदर्शनं प्रकुर्वदस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये इयं स्पर्धा ढाकायां शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम प्रांगणे आयोजयिष्यते। स्पर्धायां सायं 7 वादनात् प्रारप्स्यते। संप्रति द्रुतवार्ताः। लोकसभायां शून्यकालावधौ आतंकवादिद्वयस्य प्रकरणे सदनस्य स्थितिः विषमा सञ्जाता। भाजपा सांसदेन अनुराग ठाकुरेण पी चिदम्बरस्य अफजल मृत्युदण्डम् उद्देश्य प्रदत्त वक्तव्यम् आश्रित्य कांग्रेस दले वाक्शूलाः आरोपिताः। शुक्रवासरे पुनरपि जेएनयू रोहित वेमुलाचेति प्रकरणद्वयम् आश्रित्य प्रशासन विपक्षयोर्मध्ये वाचावाची सञ्जातम्। विवादोऽयं तदुत्थितः यदा स्मृतिरानिवर्या सदने जेएनयू परिसरे दुर्गा मातुः विषये अभद्र टिप्पण्यात्मक पत्राणां वितरण विषये प्रोक्तवती। पठानकोटातंकवाद्याक्रमणस्य प्रमुख षड्यंत्रकारिणं मसूद अजहरं प्रतिषेधितुं भारत प्रशासनं संयुक्तराष्ट्रसंघम् अवलम्बते। एतदर्थं विदेश मन्त्रालयेन तत्र अध्यर्थनैका प्रस्तुता। चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणे केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयः संसूचित। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इत्यस्य अन्तर्जालीय फलकानि अवरुद्धुं नीतयोः विरच्यन्ते। न्यायालयेन विस्तृत विवरणम् अभियाचितमस्ति। दिल्ली राज्य कर्करोग संस्थानेन कर्करोगं प्रति जनचेतनाः प्रसारयितुं नवदिल्ल्यां कार्यशाला आयोजयिष्यते। कार्यशालेयं फरवरी मासस्य 29 दिनाङ्कात् मार्च मासस्य 4th दिवसपर्यन्तं प्रचलिष्यति। भोपालस्य एकेन न्यायालयेन वित्त नियुक्ति प्रकरणे प्रदेशस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणे वरिष्ठ कांग्रेस नेत्रे दिग्विजय सिंहाय निगडनादेशः प्रसारितः। आदेशोऽयं न्यायालये अनुपस्थिति कारणेन प्रख्यापितः। सोमालीदेशस्य राजधान्याम् एकस्मिन् बृहद् भोजनालये आक्रमणकारिभिः गतदिने विहिताक्रमणे आहत्य 14 जनाः पञ्चतां प्राप्ताः। आक्रमणस्य अस्य दायित्वम् अल शबाब गुल्मेन अभिस्वीकृतम्। 1925-2000 29 मूर्तिदेवी पुरस्कारः प्रख्यात तमिल साहित्यकाराय प्रोफेसर कोलाकपुरी इनोकाय प्रदत्तः। पुरस्कारोऽयम् अनंत जीवनम् इति उपन्यास रचनार्थं प्रदत्तः। स्विट्जरलैंड देशस्य जियानी इन्फेंटिनो फीफा संघस्य नूतनाध्यक्षः प्रचितः। अस्य कार्यकालः 21-2000 यावत् भविष्यति। मुंबई दलेन महाराष्ट्र क्रिकेट संघ प्रांगणे समायोजिता रणजी चषक स्पर्धा विजिता। अंत्यचक्रे मुंबईया सौराष्ट्रम पराजित्य इयं विजयश्री रदिगता। डीडी न्यूज दर्शकाः ज्ञाप्यन्ते यत् अद्य सायं 6:30 वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका कार्यक्रमस्य प्रसारणं नूनमेव अवलोकनीयम्। एतस्य पुनः प्रसारणं बुधवासरे अपराह्ने 3:30 अपि भविष्यति। द्विसहस्रतमाब्दं यावत् केन्द्रीयम् अर्थसंकल्पपत्रं सायं 5 वादने प्रस्तूयते स्म। अब्दम का अर्थ होता है वर्ष। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों से प्रभावित माना जाता है। कुछ वैसे ही शब्दों में अब्द शब्द भी है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः।
भूयात्तावत् मंगलम्।